तेवर एटीट्यूड uh, uh, जो हम सब में होता है कहीं कही ना कहीं बस uh, दिखाने की देर होती है uh, जहाँ फिल्म की बात करें तो तीनों जो हमारे किरदार है मनोज शेर के सोनाक्ष और मेरे उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड है द सर्कम ब्रिंग आउट दैट एटीट्यूड मैं ये मानता हूँ कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए तो होपफफुल पीपल सी तेवर वो हम uh, हम सारे किरदारों के अलग अलग एटीट्यूड देखेंगे और पॉजिटिवली देखेंगे यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल सा बंदा है वो तो लड़कियों की मदद करना चाहता है जो कोई बदतमीजी करे वो भिड़ जाता है um, तो बहुत ही अलग है अब सिर्फ दाढ़ी या लोकेशन से अगर लोग सिमिलर माने तो वो थोड़ा अनफेयर होता है आई आई वुड लाइक टू सी इट एज अ टोटली न्यू डायमेंशन फॉर मी एज एन एक्टर इतना पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने अभी तक प्ले नहीं किया मतलब इसमें कूट कूट के अच्छा ही है इतनी अच्छा ही है बस बाहर आती रहती है बार बार अगर एक्टर कंफर्ट के बारे में सोचेगा तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए एक्टिंग की एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट कम्फर्ट फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ कम्फर्टेबल जर्नी जो आज हम कर रहे हैं बिकॉज वी हैव नॉट थॉट अबाउट ऑल दिस तो एक मौका मिलता है कि यू बिकम सक्सेसफुल तो कम्फर्ट इज द लास्ट थिंग एनी एक्टर थिंग्स अबाउट वनी टेक्स ऑन फिल्म एंड नो डायरेक्टर विल है थिंक अबाउट और वो बाहर जाकर जो ऑब्स्टिकल होते हैं यू फेस द मेज ए टीम टूगर वट इज इम्पोर्टेंज यू कीप द फिल्म इन माइंड मैं ये मानता हूँ अमित शर्मा इसीलिए मुझे बहुत पसंद है एज अ डायरेक्टर बिकॉज ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि हम लाइव लोकेशन पर रियल लोकेशन पर जाकर शूट करेंगे ताकि वो जो टेक्स्चर है जो माहौल है um, जो एक uh, कॉन्वर्सेशन भी नॉर्मल सी होती है उसमें एक लहजा पकड़ने का मौका मिलता है ऑल दोस थिंग्स डोंट हैपन इफ एर शूटिंग ऑन अ सेट यू कैन यू वॉन्ट फील द एनवायरनमेंट एज मच तो कहीं ना कहीं एक सिंसेरिटी ऑनिस्टी और रियलिज्म जो फिल्म में आता है दैट ओनली कम्स वेन यू मेक द एफर्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द फिल्म इज प्रोजेक्टिंग तो कम्फर्ट से आगे बढ़ चुकी है वो बातें अब कि यार ए सी है या नहीं वहाँ पे मतलब हम आराम कर पाएंगे नहीं योर ओनली थिंकिंग फ्रॉम द फिल्म पर्स्पेक्टिव इन यू चूज लोकेशन